सबसे पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा हल्के पेंसिल से ऐसे पोजीशन ले लेते हैं, वो चीज़ें कहाँ तक जा रहा है, जैसे एकदम देखो सेंटर से पार हो गया है ना, सेंटर कहाँ पे है, यहाँ तक आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है ना, तो देखो पहला क्या देखा मैंने, ये जो मेरा मेन बिल्डिंग कहाँ से कहाँ है, तो शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से शुरू हुआ तकरीबन, थोड़ा सा छोड़ के ऊपर कितना है, तकरीबन ऊपर का स्पेस, मतलब ऊपर नीचे का स्पेस भी जरूरी है, और ये जो एंगल है आप इस तरह से रख के देख सकते हैं कि एंगल, ये जो इस तरह से एंगल से आप चाहे फोटो के अंदर चाहे ऑन द स्पॉट में भी ऐसे रख के ये फ्रेम का लाइन कितना एंगल में जा रहा है, आप एक आंख बंद करके ऐसे रख के समझ सकते हो उसको, फिर तो उसको पेपर के ऊपर ला सकते हैं। अब ये एंगल को ये समझ, ये पकड़ में नहीं आता वो कितने एंगल्स में है, ज़्यादा कर दिया तो गड़बड़, ज़्यादा नहीं किया तो भी गड़बड़, तो वो जितना अच्छा उसके साथ मैच करेगा, तो हम कैसे मैच कर सकते, इसके ऊपर रख दिया देखो तो थोड़ा सा डायरेक्शन मिल रहा है कि कैसे, तो मेरा शायद ज़्यादा ढलन हो रहा था, थोड़ा सा उड़ना चाहते हैं, क्लियर हो गया बात। तो ये इस तरह से कुछ एक आप प्लानिंग, अभी ये हल्का प्लानिंग जो है चलने देते हैं, तो इस तरह से अभी देखो नीचे का स्पेस कितना है जमीन का, वो भी कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है कितना एरिया में, इतना एरिया में ये जो है छतरी वाला जो है आ गया, फिर इसके गैप में एक डेप्थ दिखता है वो भी रख सकते हैं, छतरी को थोड़ा सा छोटा करते क्योंकि इसको हीरो बनाना है, हल्का सा छोटा करके देखते क्या हो रहा है, तो ऐसा करते थोड़ा सा, और फिर ये वाला पार्ट साइड में जितना दिख रहा है या जैसे भी हम कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से भी कुछ डिजाइन डाल के भी उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी देखना ये जो पार्ट है इसके अंदर कहाँ पे है, थोड़ा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है ना ऐसे, तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो हल्के हल्के पेंसिल लाइन से प्लान करके इस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग करके डर रहा हूँ और जाने देते आगे। आप एक ले रहे हैं पूरा ही दे सकते जितना ठीक ठाक आ जाएगा। अच्छा यदि कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं जैसे नीचे की बोर्ड और ये लीयर हो जाएगा तो कंपोजिशन, हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत हल्का हल्का एक प्लानिंग हमने किया यहाँ पे कि क्या हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटरेस्टिंग एरिया है उसे करने के लिए। हाइफा रियल इस्टेट करते को कोई कोई इस तरह से हमारे जैसे रैंडम स्ट्रोक्स या बोल्ड स्ट्रोक्स या इंप्रेशन क्रिएट करके वाटर कलर को दिखाते हैं, वाटर कलर मीडियम इसी तरह से काम होना चाहिए, मीडियम इसी तरह से काम करता है, हाइफा रियलिस्टिक वगैरह और भी मीडियम है उसके लिए, जो करता है करता है, मतलब आजकल तो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी मीडियम के साथ, उसका जो कैरेक्टर है उसको यूज़ करना चाहिए उसकी कैरेक्टर के हिसाब से, हाँ वाटर कलर मीडियम का जो जो मज़ा है ना वो जो फ्लो में है, वाटर कलर जैसा कहीं एक और ऐसा रंग भी अल्कोहलिक इंक, हाँ वही वो भी इस, हाँ उसमें इफेक्ट बहुत अच्छा, वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट वगैरह करने से ठीक रहता है, देखो डिजाइन पे थोड़ा थोड़ा क्या इसका तो थोड़ा थोड़ा जो डिजाइन देना है, लेकिन कैसे दिया पहले ओवल बनाया फिर उसके अंदर हम डिजाइन को दिखाया, ठीक है ना, तो ज्यादा एक थोड़ा बैलेंस होता है, एकदम आप नापोगे तो धागा डाल के तो मेरा भी नहीं होगा, बट क्या एक बैलेंस पे रखता हूँ, ठीक है, और यही चीज सीखना है, सबसे ज्यादा सीखना है कि जो गलती हो जाता है उसको कैसे हैंडल करना है, गलती मीन्स जान के भी होता है कि नहीं जान के भी होता है, एक्सीडेंटली हो जाता है वाटर कलर, उसको मैनेज कैसे करना वो भी सबसे बड़ा सीखना वही होता है, उसको मैनेज कैसे करना है, तो मेरा जो मेन पार्ट है इसको मैंने अच्छी तरह मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है ना, और इसका मतलब ये नहीं बाकी पार्ट को खराब कर दूं, हाँ इसमें थोड़ा सा डिटेल्स ज्यादा रखा है, ये मैंने बोला ना ये देखो ये भी एक डिसिप्लिन पे मतलब उसी लाइंस पे चल रहा है जहाँ पे, नहीं तो अगर ये नीचे हो गया ऊपर हो गया पर्सपेक्टिव गलत होगा, तो ये ड्राइंग करो आप लोग बस इतना ड्राइंग करो, इतना ही कलर करना है, ठीक है,
फिर बाद में घर में जाके पूरा करना है। रेफरेंस भी आपके पास रहेगा, पेंटिंग भी मैं दिखाता हूँ, वीडियो भी आपको रहेगा, ठीक है ना। हाँ ये थोड़ा सा आप करने से तो ये देखो अभी क्या होता है, कई बार हम ये जो ड्राइंग करते भूल जाते हैं, तो हम अपने आप को भी बताने के लिए ये जो लाइन ले, देखो ये क्या हो गया, शैडो वाला, मेरा ध्यान रहेगा ये शैडो वाला, ये सब ऐसे करके आप डाल सकते हो। आपको काम करते समय नहीं, नहीं वो तो बाद में देख लेना क्या होना है। अच्छा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको याद रखने के लिए कि ये शेडो है, मतलब यहाँ पे कलर डालने के लिए, तो हम क्या करते खुद ही ऐसे कर सकते ना कि ऐसे लाइन डालते, हाँ यस यस, तो उसके वजह से क्या कि आपको क्लियर, तो उस लिए आपको क्लियर लाइन थोड़ा सा रहना ही ठीक है। इस समय जैसे देखो मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, आपको मेन जो लाइंस है, आपने प्लानिंग लाइन बहुत हो गया हल्का हल्का, अभी कुछ मेन लाइंस आपको चाहिए, आप इस तरह से आप डार्क कर सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू ना करे सही है, देखो ऐसे कट कट के कर लीजिए, ठीक है। वाटर कलर में ऐसा कुछ रूल नहीं है, कितना भी लगा सकते हैं, और देखना होता है कि वो लाइट से लेकर के डार्क तक आपको जब तक मतलब ऐसे, हाँ ठीक है ऐसे होता है, तो इसको शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा ये होता है कि ओवरडू हो जाता है काम, ओवर लेयर हो जाता है, तो क्या करना चाहिए, आपको लग रहा है कि और एक लेयर करना है, तो उससे पहले एक फोटोग्राफी कर लो, फोटो ले लो उसका, तो जिससे कि क्या होगा कि आगे जब आप लेयर कर रहे हो, लेयर करने के बाद आप खुद देख सकते थे पहले लेयर में आपको रुकना चाहिए था कि नहीं, नहीं रुकना चाहिए, सीखने के लिए फर्क करना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा एक फोटो ले लो उसको करके देखो, फिर अपने आपको सीखा रहे भाई तेरे को रुकना चाहिए था, रुकना चाहिए है ना, रुक जाता तो ठीक था, तो क्या आप वहीं से सीखा, आपकी गलती से सीखा, गलती तो करना ही है, खराब करना है, वाटर कलर सीखना तो खराब करना है। आएगा उसके धीरे 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 आपके वो लेयर, लेयर क्या एक वैल्यू है कलर्स के, कलर्स के वैल्यूज है, हर जगह वो लेयर नहीं है, कुछ यार टूटा है, हाँ ये वाला ले लो चेयर, तो देखो सिंपल एक्चुअली क्या इधर वाला थोड़ा बढ़ाया था, इसके वजह से ऊपर वाला भी कनेक्ट कर दिया मैंने, अदरवाइज वो थोड़ा सा कमी होना चाह रहा था। अभी देखो हम आर्टिस्ट ना, अपने से और क्या कर सकते, जैसे इतने दिन से वहाँ पे घूम रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या नोटिस किया, बहुत सारे ऐसे छतरी भी है, तो यहाँ पे जैसे खाली है, तो हम यहाँ पे छतरी भी डाल सकते ना, बट वो डालने से वो उतना एक्यूरेट होना भी चाहिए, नहीं तो और ख़राब भी हो सकता है, तो देखो मैं अपने से भी एक छतरी डाल दिया, तो इससे ये जो खालीपन है, खालीपन भी थोड़ा सा दूर हो गया। और इसका भी शैडो बनाने का मौका मिलेगा और एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। समझ में आया ना, अभी ये नहीं था, खाली था, डाल दिया, अच्छा लग रहा ना थोड़ा, तो उसमें थोड़ा सा शैडो, जैसे इसका शैडो, अभी कुछ कुछ शैडो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ऑन द स्पॉट में भी फोटो लेके रख सकते, जिससे कि आपको शैडो चेंज हो जाता है, इसलिए कई बार चेंज होने के बाद अच्छा लगता है, वो देखना है कि बाद वाला अच्छा होगा क्या पहले।
ये जो शेडो कभी भी हल्का लेकिन डार्क नहीं ज़्यादा है, शेडो जो है हल्का करके ठीक है। डॉली मैम समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे जो है ऐसा ऐसा कुछ जैसे शेडिंग कर सकते शेडो। आपका नाम बोल रहा हूँ श्याम, गुड ना, नजदीक आ जाओ ना, हो गया दिख रहा है ठीक है। हाँ ये ना, हाँ थोड़ा शेडो ड्रॉ करके रखा है, ऐसे ऐसे शेडो थोड़ा डाल देंगे, ऐसा जस्ट प्लानिंग किया जैसे इसी एंगल्स में कुछ शेडो ऐसा आएगा, बाकी में तो ऐसा दिख रहा है शेडो कहाँ कहाँ कैसे कैसे गिर रहा है। ये वाला शेडो में है या इसके शेडो इसके ऊपर आ रहा है, ये सब चीज़ें है। तो ये वाला छतरी यहाँ पर भी छोटा सा आ जाएगा, बट इसमें क्या करेंगे जो डिटेल्स है थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम होगा कौन बताएंगे आप? नॉन फोटो एरिया, इसको यहाँ पे नहीं बनाते। छाया जो है ये सुंदर है, छाया है सुंदर है, बाकी ऐसे नहीं बनेगा। ओके अभी यहाँ से लाइन आई लेवल्स के नीचे जो है उल्टा होने लग रहा है लाइन, जैसे कि मैं कह रहा था, है ना। तो देखो एक ही कंपोजिशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हमें स्टेप्स भी सीखने को मिल रहा है। स्टेप्स का लाइंस कैसे आएगा, जैसे कि ये लाइंस आ रहा था, हाँ ऐसे करके इसी में से आएगा, तो वो मन के अंदर वो डायरेक्शन ले लेना है। देखो धीरे धीरे घूम रहा है ना हाथ, ऐसे करके ये ड्राइंग कर लेना ही अपने आप में एक चैलेंज नहीं। धीरे धीरे अभी ऊपर का जो छत है हल्का हल्का दिखने लगता है पर्सपेक्टिव के कारण। देखो ये कैसे छतरी जो है कैसे बन रहा है, सिंपल दूसरा टाइप में हाई लेवल के नीचे आ गया, उल्टा चलने लगेगा। अभी पहले ऐसे चल रहा था, अभी उल्टा हो गया ऐसा, है ना, हल्का सा हुआ लेकिन हुआ है ये, जो भी ऐसे ऐसे उल्टा चलने लगेगा।
ऊपर का देखो, ये जो प्लांथ ऊपर का जो फर्श है वो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या, वो आंखों के नीचे है, आई लेवल के नीचे चला गया। हम बेकुश कर जल एने से कि यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज किया इसके साथ ऐसे बैलेंस करने के लिए। ओके, अभी हम क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, फिगर ऐड करना है ना, जैसे कि ये हमारा एक फोकल पॉइंट हो गया, कुछ फिगर ऐड करना जो गोल्डन पॉइंट के इस एरिया में भी ऐड कर सकते हैं। ये गोल्डन पॉइंट दूसरा हो गया ना, ये तो कुछ फिगर हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं। वो हो गए यहाँ पे टूरिस्ट आया है, कमरा है, जो भी कुछ है ऐसे डाल सकते हैं। उस फिगर से क्या होगा, एक ये भी क्लियर हो जाता है कि इस जो आर्किटेक्चर का हाइट क्या है, ये भी हम बता सकते हैं उसके साइज के हिसाब से, मतलब फिगर के साइज के ऊपर पता लग जाएगा कि उसका क्या साइज है, मतलब कंपोजिशन का, ये वाला आर्किटेक्चर का क्या साइज है। हाँ, कई बार उसको बैलेंस भी करता है, कलर्स बैलेंस भी हो जाता है, ये सब चीज़ें। थोड़ा सा अभी व्यूअर्स को काफ़ी देर आपको रखने के लिए, वो इंगेज करने के लिए, तो आप उस तरह से कंपोज भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ देख के करना आया, कोई और देखा, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ, बट उसके अंदर फिर किसी एक को हीरो रखना, ये भी ध्यान। आजकल क्या है, वो फोटो लेने का ये रहता ज़्यादा,
सेल्फी हो या और जो टूरिस्ट क्या है थोड़ा सा कैप में है ना, तो एक फीमेल यहाँ पे फिगर डाल देते जिससे कि होगा कि उनके फोटो ले रहे जो भी ऐसे, मतलब एक कहानी बनाना यहाँ पे। कोई फिगर से यहाँ पे बैठे है। चलो और ऐड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। कुछ इस तरह से कंपोज कर सकते हैं हम चीज़ों को। यहाँ पे जैसे कुछ बोर्ड्स वगैरह है, ये कुछ पेड़ हो गया, स्काईलाइंस, ओके ठीक है। छतरी भी एक्सीडेंट होती है ये वाली छतरी। हाँ वो भी होते हैं, आठ साइड, एट साइड्स ना, एट साइड मतलब आठ, ये वाला नहीं, पहले पानी लगाना सारा। हाँ पानी से तो पानी वाटर कलर पानी से ही चलता है, मतलब कम फिर लगता है, फिर वो स्प्रेड करता है, इसलिए फ्लो करने के लिए कलर्स को तो काफी गीला करना है। हाँ तो इसलिए हार्ड होता है ना पेंटिंग, नहीं होगा ये। अच्छा फिर तभी मोटा मोटा आता है ऐसे। हाँ अगर इसे मोटा मोटा नहीं, बार बार करना है, पतले पतले। अच्छा खासा पानी लगा रहे हैं वो देख रही हूँ मैं। पानी में वही तो ना, वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं था। पानी में तैरना चाहिए, कलर जो है पानी में तैरना चाहिए, करना चाहिए, तभी वो एंगल पे रखना। निशा मैम हाँ इसीलिए एंगल रखना है राइट। अभी फास्ट हाउस में लाइट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कहीं वाइट छोड़ना है तो वहाँ पे नहीं लगाने का, और कहीं से गलती से लग गया तो टिश्यू लगना। इससे अच्छा टिश्यू है किसी के पास? स्केच स्केच करते हैं। हाँ ये न्यू गैम्बोज है, गैम्बोज येलो है, और आपके गैम्बोज में इतना लाइट नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लेमन भी ले सकते हैं। तो ये गैम्बोज है, इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा ऑरेंज लगा रहा हूँ। प्योर वाइट नहीं छोड़ रहा है, इतना वाइट नहीं है, हल्का सा लाइट है, और ये कलर जो है हल्का हो ही जाएगा। मतलब क्या है, एक कलर जो है ना ड्राई होने के बाद थोड़ा सा क्या होता है, लाइट होता है ना, तो वो भी वो भी समझ नहीं आता कितना डार्क लगा। हाँ वो आपके आपके कंटिन्यू एक ही पेपर यूज़ करेंगे तो वो समझ में आएगा, मतलब कि बार बार पेपर बार बार कलर चेंज करने से, और प्रैक्टिस से ही आता है वो। जैसे हम पेपर आर्चिस है, ये अच्छा पेपर है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है थोड़ा सा,
चित्रपट से आप स्टार्ट करें जरूर। हाँ 400 भी ले सकते हैं। अच्छा बात करेंगे ना छूट जाएगा आपसे, थोड़ा सा बात नहीं करना, बात करेंगे बाद में। ये है बंट अंबर, मिजोलो का है बंट अंबर। बंद हाँ थोड़ा सा शेडो एरिया में, जैसे मुझे वो कलर्स वहाँ पे फील हो रहा है ऐसा कुछ यूज़ कर रहा हूँ। देखेंगे बाद में अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो और भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये एक टाइमिंग है, समझ रहे बात? हल्का सा जो है ऑलिव ग्रीन, जो कलर महसूस हो रहा है। येलो कौन सा बताया था सर आपने? येलो गैम्बोज येलो। गैम्बोज में अगर इतना चमक नहीं है तो आप लेमन ले सकते हैं। गैम्बोज येलो में अगर ज़्यादा चमक वाला गैम्बोज नहीं है ना तो उसमें लेमन ले सकते। बट क्या है कि पैलेट में कई सारे कलर्स होते हैं जिसके वजह से वो आपके वो फ्रेशनेस जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा तो उससे कई बार फ्रेश कलर इसलिए निकलना होता है, जैसे कि मैंने निकला आपके सामने थोड़ा सा। तो देखो ड्रामा तब होगा जब वाटर रहेगा ना। उसको क्या है कि ये पूरा खेल जो है टाइमिंग का है, थोड़ा उसी के साथ ब्लू लिया जैसे कि ऑलिव ग्रीन, अल्टामरीन, बंट अंबर, ये सब कलर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डार्क है तो मैं फ्लो में छोड़ दिया। फास्ट वॉश में ही चल रहा है अभी, और फास्ट वॉश में कुछ जो कलर्स ये ऐड ऑन कर रहा हूँ, बंट अंबर्स, ऑलिव ग्रीन, फास्ट वॉश में एक दूसरे के साथ कलर ज़्यादातर मिक्स होते हैं। यहाँ पे जो शेडो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेडो एक दिख रहा है, जैसे उसके लिए मैं एलिजरीन, बंटम्बर किधर गया, और थोड़ा अल्टामरीन। अभी थोड़ा क्या ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट मतलब गीला है, उस गीले में अल्टामरीन, एलिजन क्रिम्सन, बंटम्बर, थोड़ा सा जो कलर थोड़ा सा मुझे डार्क ज़्यादा दिख रहा है जिसके कारण ये कॉन्ट्रास्ट के रूप में काम आएगा। तो मेनली इसका जो टाइम आप नोटिस देखो, टाइम जो है कि कौन सा टाइम पे लगाना है, और शायद ये भी स्प्रेड हो जाए फिर आएंगे कलर लेके तो ये सिलसिला चलता रहता है। बट ये कॉन्ट्रास्ट ही जो है कंपोजिशन को ब्यूटी बनाता है, और जिस तरह से मैं एकदम फ्लुएंट छोड़ रहा हूँ तो आपको आएगा धीरे धीरे, बट कैसे कर रहा हूँ वो ज़्यादा समझना है। तो छोटे छोटे जो डिज़ाइन तैयार हो रहे हैं कलर्स में, है ना, और ये क्या गीला होता है ना, तो गीला होने से एक्सीडेंट होता है।
और एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट करके सीखना है। चुप हो गए आप लोग, सीरियस हो गए? अच्छा, लाइट इधर से है तो इसमें भी इस तरह से मैं लाइट रखने की कोशिश करूंगा। ये फ्लैट ब्रश है सर? ये कैलीग्राफी ब्रश है, इसका एक बेनिफिट ये है फ्लैट भी हो जाता है और पॉइंटेड भी हो जाता है। कैलीग्राफी ब्रश है ये, जो हमारे प्रफुल्ल सावंत सर के सिग्नेचर ब्रश हैं। और सर ये ब्रशेस कितने चलते हैं, जल्दी खराब होते हैं? नहीं, जल्दी नहीं खराब होता है। पहले भी मैंने लिया था एक सेट, काफ़ी दिन चला, वो अभी भी है, बट फिर भी मैंने और एक सेट ले लिया अच्छा लगा करके। बाद में क्या पता मिले ना मिले, अब देखो ना एक में ही सारे दुनिया के काम कर रहा है नहीं। बट ये भी ऐसा नहीं कि हाथ में आ गया तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हैंडलिंग जब आपको धीरे धीरे मतलब सब में आदत होता है, और कहते हैं ना कि कौन सा ब्रश यूज़ करूँ कहाँ पे, तो इसके लिए जवाब ये है कि आपको जिस ब्रश से कंफर्टेबल लगता है जहाँ पे, वही आपका ब्रश है वहाँ का। बट ये जो है वाटर को किस तरह से हैंडलिंग कर रहा हूँ वो थोड़ा सा, वो जो ड्राइंग जितना आपके माइंड में होगा ना आप उतना अच्छा करेंगे। देखो एक्सीडेंट तो हुआ ना यहाँ पे, तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ा, इधर एक्सीडेंट हुआ कुछ नहीं बोला मैं, बोला हो जाओ आज, इतने सारे लोग आए एक्सीडेंट होने दो नहीं, तो ऐसे करके कुछ बड़ा पता लग रहा तो देखो ऐसा एक्सीडेंट करके आ गया। देखो ये लाइट कितना हो गया ना, बहुत ज्यादा लाइट हो गया है। अभी देखो आसमान में कलर आते ही क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। प्रैक्टिस से गैम्बुज को ही लिया पहले, तो एक लाइट कलर लेके तो डार्क, हाँ मतलब डार्क भी कलर करना है तो आप या तो गीला करो या तो ऐसा कुछ करो तो अच्छा रहता है। मतलब कलर छोड़ के करो, डार्क को छोड़ के मीन्स अभी उस पर डार्क डालूंगा। देखो मैं ऐसे जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ब्रश के पीछे पकड़ के, क्या लगता है आपको पहले पहले एक पहली बार हो गया ऐसा खराब हुआ ना, तो खराब किया मैंने तो खराब, आपको अभी टाइम है आपका खराब करने का। तो यहाँ पे कौन सा ये स्पॉन्ज है कंट्रोल करने के लिए, जैसे मुझे पानी ज़्यादा हो गया टच कर दिया कंट्रोल हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या शेडो कूल जाता है ना, तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे ग्रीन महसूस हो रहा था उस आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या ब्लू लेके थोड़ा ग्रीन कर लिया होता ही है ये। देखो आप सोचते हैं आपके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, होता रहता है ये। अच्छा तो थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन के साथ, मतलब वहाँ पे महसूस करेंगे आप, मतलब जो कलर्स महसूस कर रहा हूँ वो ही है यहाँ पे, जो शेडो में जा रहा है जो कलर महसूस कर रहा हूँ।
कितना कलर है, जरूरत पड़े फिर से आएंगे, लेकिन आप देखो कलर गाढ़ा करके कलर नहीं, एक्रेलिक की तरह वाटर कलर मीडियम के जो तरीका है ये है। जितेंद्र सर आपको भी मैं यही बोल रहा था ना कि वाटर ज्यादा लगे, अभी आप देख रहे हो कि काम देख रहा हूं पर समझ आ रहा मुझे। हां पीछे जो काम देखा है ना, क्योंकि मैंने जो भी देखा तक वो स्क्रीन पे देखा, हां उस पे हार्ड दिखता है एक्चुअली, हार्ड तो वैसे ही है ये ब्राइटनेस। अच्छा तो फर्क पता चल रहा है, कलर डार्क ऐसे नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, इसमें जैसे मोबाइल से देखो कुछ कुछ चीजें जैसे इनका देखा भी, इनका जो भी रेफरेंस देखा भी तो वो तो उसी पे देखा। नहीं थोड़ा सा सर आपके जो डिवाइस भी ना, आप चार डिवाइस रखो चार अलग कलर देगा, इसलिए एपल यूपल जो है वो ठीक ठाक दे देता है। राइट सर, और थोड़ा अच्छा डिवाइस मैं तो प्रिंट आउट से कुछ ये वो भी है, और दो इंटेंसिटी बढ़ा के दिखाते हैं, उसमें भी वो भी डिपेंड है कि आपने ब्राइटनेस ज्यादा कर दिया तो ज्यादा ब्राइट दिख रहा है वो भी है। और ये कुछ मोबाइल आते हैं रेडमी वाले, ये कुछ इंटेंसिटी बढ़ा के भी दिखाते हैं, जैसे फोटो खींचोगे उसका प्रिंट आउट लोगे तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा, उसमें स्क्रीन पर आपको ज्यादा रिजोल्यूशन का दिख रहा है। देखो गलती हुआ कैसे ठीक किया, एक समय तक इस पे भी कलर दिया था वो शैडो के अंदर, अभी वो शैडो के अंदर होने के बाद भी उसको जो ऐसे बॉक्स बनने के लिए एक सेटिंग मुझे राइट भी देना पड़ रहा। कितना कलर्स के उसमें कितना कलर है हल्का सा, ये कितना देना है उसको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं देना। हमें क्या आदत क्या होता है कि हमें लगता है कि बहुत डार्क देने से वो एकदम जल्दी क्लियर हो जाएगा और ठीक ठाक हो जाएगा, तो हम डार्क कलर उठाते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे स्टेप्स का ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा देखो ठीक किया कैसे है, क्लियर हो गया ना चीजें, ऊपर वाला कौन है नीचे वाला कौन है। तो ऑलिव ग्रीन बन टम्बर कौन सा कितना लेना है वो पैलेट में देखो, अब कितना लेना है या बना के देखो, एक प्रैक्टिस है आपके लिए कलर के लिए, आपके थोड़ा सा प्रैक्टिस क्या है, जैसे कि आप कहीं पर भी हो, जैसे ये देखा आपने ये कलर बना के देखो, बना पा रहे कि नहीं, अचानक ये कलर देखा, ये कलर आपके कलर पैलेट में बना के देखो, मिला के फिर उसके पास बना करो, क्या आप उसको जजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। एक बार में नहीं होगा, एक दिन दो दिन तीन दिन के बाद वो आपको आने लग जाएगा। क्या होगा आपके उसके चलते आपके माइंड को पता चलेगा, एक झलक में देख के उसको महसूस हो जाएगा क्या क्या कलर है। प्रैक्टिस कौन करेगा, खुद को कराना पड़ेगा, खुद को माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी कपड़ा कोई भी कलर उठा के उसके साथ मैच करो, ऐसे देखा उसको मिला के देखो, बन पा रहा है कि नहीं। सर चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि और लाइट भी हो जाता है वाटर कलर में, हाँ डार्कर टू टेक वो भी। कोई ऐसा थ्योरी नहीं है कि वो कितना करने से कितना रहेगा बता देगा, सब आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करके आपको समझना पड़ेगा। Mm-hmm.
बेसिकली तो सर अभी तीन कलर्स ही चल रहे हैं हमारे यहाँ. जी पैचेस नहीं बनेंगे जो आपने ब्रश लगाया ये जी. क्या हुआ इसे? पैचेस टेक्सचर आएगा. टेक्सचर चाहिए. ओ नेचुरल ऐसे स्ट्रोक्स लगाने से थोड़ा नेचुरल आता है ना. नेचुरली लगेगा ना थोड़ा, इसलिए ब्रशेस भी ऐसे ही यूज करते हैं. वन टम्बर है सिंपल. ऑलरेडी बहुत अच्छा ही फ्लो लिया. मैं क्या कैसे ब्रश यूज कर रहा हूँ देख रहे हो, कैसे वाटर कितना लेके जा रहा हूँ. एक बार भी नहीं होगा, धीरे 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 होगा. बट वही है, सिंगल चीज ट्राई करो, एक इसको ट्राई करना ओनली. तो सेकंड लेयर चल रहा है, कहीं कहीं सेकंड लेयर चल रहा है. इस तरह से जो बोलते हैं ना लेयर कब तक का वो काम को देखते हुए होगा. खुद ही जज करना पड़ेगा. हाँ खुद ही जज करना पड़ेगा कि कितना लेयर पे आप चलना है. अभी जैसे ये लगाया, अभी क्या पता वो थोड़ा सा ये जैसे ये हो गया हल्का हो गया, ये लगाया हल्का हो गया. तो फिर हमें देखना पड़ता है कि कितने में जाके वो रुकने वाला है. तो ये लाइट इधर से है, ये सब ऑफ है, और ये सब एक बार में कलर नहीं लगा सकते. पैलेट में बहुत कलर होते हैं. देखो अभी आप सोचे कि डिज़ाइन को अलग किया फिर उसको मिला दिया. मिला दिया इसलिए क्योंकि मुझे वो जो चाहिए वो वैल्यू वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है. तो वो तब तक मैं जो देना पड़ेगा. तो देखो फिर से मिला दिया. अभी यहाँ पे कुछ जो लाइट उसके सीधा ही में लाइट ग्लो भी करेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा बीच में से. वहाँ पे देख रहा है देखो लाइट थोड़ा सा सीधा. थोड़ा सा निकाल देता हूँ. इसमें आपने ब्लू डाला था वो निकल के आ रहा है ना. हाँ थोड़ा जो मिक्स कलर डाला था थोड़ा निकाल दिया, थोड़ा वहाँ से लाइट रेज होगा. अभी लाइट तभी दिखेगा जब बाकी में कलर होगा. बाकी में थोड़ा सा हम वायलेट कलर यूज करते, थोड़ा वायलेट दिख रहा है यहाँ पे. वायलेट ब्लू और क्रिम्सन के साथ, अल्टीमेट के साथ क्रिम्सन, एलिजेरिन क्रिम्सन. येलो का काम चल रहा है तो उसमें वायलेट यूज करो. ब्लैक नहीं यूज करना, ब्लैक क्या गंदा कर देगा काम को ना थोड़ा. यहाँ पे क्या करूँगा, फिगर को डालने वाला हूँ मैं दोनों. तो फर्स्ट पे क्या है उसकी रिफ्लेक्शन आने के लिए जानबूझ के अभी से थोड़ा ये कलर डाल दिया.
क्या है क्या नहीं है, कॉन्ट्रास्ट तो है। तो ये पता चला है पानी कितना यूज होता है, नहीं? ओके, अभी थोड़ा आसमान में कलर कर देता हूँ। ओके, तो आसमान के लिए थोड़ा सा जो है एक कोबाल्ट ब्लू निकालता हूँ। कुछ मिजेलो का कलर यूज करता हूँ, कुछ डैनियल स्मिथ का कलर यूज करता हूँ। डैनियल स्मिथ अच्छा कलर है, काफी एक्सपेंसिव, जिस तरह से आर्चिस है उस तरह से ये भी महंगा है। आपको आप स्टेज में कैमिल वगैरह आर्टिस्ट कलर लेके काम कर सकते हैं, और दो चार कलर जो है मिजेलो वगैरह स्विच करके कर सकते हैं, और जो खरीद सकते हैं बिल्कुल खरीदे, क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट न्यूज़पेपर में भी काम कर सकते हैं, बट जो हम सीख रहे हैं हमारे लिए मुश्किल है अच्छा काम करना, मतलब नॉर्मल मटेरियल्स के ऊपर। कौन सा ब्लू लिया सर? ये कोबाल्ट ब्लू, मिजेलो में कोबाल्ट ब्लू जो है कोबाल्ट ब्लू 2 नंबर 2 ले सकते हैं, और थोड़ा सा उसमें मैं अल्टरमरीन ले रहा हूँ कोबाल्ट ब्लू में। तो अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करने से क्या वहाँ पे अलग अलग नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ, आप लोग डर रहे हो ना, गिर गया गिर गया नीचे ना आ जाए। आ गया ना, बाएं हाथ में ये रखना टिश्यू, एक्सीडेंट तो होता ही है। अभी दोनों तरफ बैलेंस करते हुए चलना है, नहीं तो क्या होगा। अभी क्या होता है, ड्राइंग अच्छा कर लेते, कलर करते समय कई बार यही गड़बड़ हो जाता है कि उसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, ये होता है। वो भी धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है ना, जो भी चीज़ है हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा उसका जो ऊपर का लाइट दिखाने के लिए अच्छा हो गया ना। ये लाइन ये बन जाता है, इसलिए दोनों तरफ ध्यान रखना है, ये तो पैचेस आ जाता है। हाँ, वो भी दिक्कत देता है, गर्मी हो गया सर्दी, अलग अलग क्लाइमेट में ना दिक्कत देता है। मैनेज कैसे करना होता है सर? वही आपके स्पीड मैनेज तो नहीं होता है, आपको मतलब स्पीड पकड़ना पड़ेगा शायद थोड़ा, या पेपर छोटा करके लेंगे तो। देखो गलती हुआ थोड़ा अंदर आया, तो वो दिक्कत नहीं, वो शैडो में चला जाएगा, इधर भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे डार्क आ जाएगा। हाँ, ये लाइट को बचाना है, ये लाइट जो कर रहा हूँ ना उसको ठीक से बचाना होता है। अब जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर बाद में भी कर सकते हैं ना।
पे स्काईलाइन है ना, पानी के लिए टर्कोइस यूज किया, टर्कोइस मिजोलो का है, टर्कोइस आप बना भी सकते हैं, टर्कोइस जो कैमल के कलर से बन जाएगा अच्छा, रूसियन ब्लू और बिरिडियन के साथ, कैमल में दोनों मिला ही है वो बिरिडियन, बिरिडियन और रूसियन ब्लू दोनों मिलाने से आ जाएगा, अब बढ़िया कलर आएगा वो। थोड़ा सा योलो, थोड़ा सा रेड ब्राउन, थोड़ा सा जो दूर है एरिया में जो भी ग्रीन है ब्लू, थोड़ा सा जो है देखो दूर है ना वो, आपकी किस्त कितनी है सर, थोड़ा सा ओके वही न्यू गैम्बुज है, और थोड़ा सा गैम्बुज या पार्मेंट येलो ये सब कलर्स यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑलिव ग्रीन, बंट अंबर, यहाँ पे बहुत हल्का लेयरिंग में ये कलर वॉश देने से क्या हुआ वो फ्लैट नहीं लगेगा, कोई भी बहुत ज़्यादा एरिया फ्लैट नहीं छोड़ना, जैसे ये फ्लैट है ना यहाँ पे कुछ बर्ड्स डाल देंगे बाद में, ऐसा करना होता है, मतलब वो ज़्यादा एरिया स्पेस नहीं छोड़ने का है। इसको हम ड्राई ब्रश बोलते हैं, ड्राई ब्रश, ड्राई ब्रशिंग मतलब कलर्स में आपके जो है ब्रश में जो है जो कलर बनाना वो बनाया, फिर स्पॉन्ज में इसको कंट्रोल करके कुछ इस तरह से कलर्स को लगाया, ठीक है, तो वो क्या उसमें ऐसा लग रहा है कुछ है डिजाइन ड्राई ब्रश से। अभी कहीं पे ये क्यों डार्क डाला, क्योंकि वो शैडो में भी है ना, फिर जैसा नहीं है, हाँ तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक करना होता है, अभी देखो ब्रेक कर दिया ये,
ब्रेक करने के लिए भी थोड़ा सा पहले कलर लगाया, फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह से शेडो आया। ओके अभी देखो उस समय कितना डार्क किया था हमने, फिर भी हमें डार्क नहीं हुआ। तो ये जैसे हम लेयरिंग बोलते हैं ना, अभी लेयरिंग चाहिए तो चाहिए, बट वो एकदम से गुस्सा होकर ज़्यादा कलर नहीं लगाना, पतला करके बार बार लगाना पड़ेगा। सूखने के बाद इफेक्ट चेंज हो जाता है ना। हाँ चेंज, अभी देखो वो अभी बहुत फ्रेश लग रहे हैं सब कलर, ये सब ठीक कलर आ जाए, पहले से दूसरी बार हम सोचेंगे ये कलर आ जाए, ताजगी बनी रहनी चाहिए कलर से। हाँ हाँ यस यस, अभी यहाँ पे जैसे पहले क्या गीले में छोड़ा था, अभी अगर गीले में नहीं छोड़ रहे तो भी होगा, कैसे होगा बाद में भी आसपास में हम गीला कर सकते उसको। बट मेरा जो टारगेट है यहाँ पे एक जो मीठा जो शेडो है या कॉन्ट्रास्ट वाला जो शेडो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, तो उसके वो स्केल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? हाँ यस, तो शेडो भी हमें दो टाइप में मिलता है इस तरह से। हाँ वो जब पतले पतले पत्ते का ये होता है तो वहाँ पे इस तरह से, हाँ तो और जब यहाँ पे कुछ बोल्ड किसी चीज़ का शेडो आता है वो शार्प हो जाता है। तो नहीं इसमें वो ये बनटम्बरी है, बनटम्बर ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन पत्ते। एक सॉफ्ट हो रहा है ना वहाँ पे, उसके बाद सॉफ्ट हो रहा है तो सॉफ्ट कर रहा है। सर एजेस भी सॉफ्ट होते हैं ना वैसे शरीर के? अब देखा जाता है कितना है। इन ब्रश को कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ नहीं है सर, जिसने कभी नहीं किया है ना। हाँ वो तो जरूरी है, कोई भी मेरे पास है पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अति अब चेंज होते ही तो आदत को रॉन्ग ब्रश आदत हो गई, मैंने आदत ठीक है। क्या टाइम हुआ? 2:07। टाइम कितना जल्दी जाता है। नहीं थोड़ा सा क्या है जो भी कर रहा है उसको थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है ना। तो ब्राउन में ग्रीन मिला के डार्क कर रहे हैं। हाँ वही ऑलिव ग्रीन, क्योंकि वो राइट में है।
जरूरी नहीं हर जगह ऑलिव ग्रीन होगा, बट यहाँ पे दिख रहा है वो शैडो कलर। हाँ यहाँ पे वो इसके साथ शैडो मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो लाइट है वो शुरू से मेंटेन किया है, जैसे भी रैंडम चला है वहाँ पे मेंटेन किया है थोड़ा सा, जैसे वो लाइट जो है लाइट कॉन्ट्रास्ट इसके वजह से वो इंटरेस्टिंग हो रहा है वहाँ पे, उतना सा एरिया करने से आपके पेंटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक चीज़ें आ जाता है देखने के लायक। इसलिए आपको छोटा करना है कंपोजिशन को, मतलब वो जैसे मैं इतना बड़ा किया आप छोटा करके करो तो आप उतना देर नहीं लगेगा ना। हाँ थोड़ा सा कंपोजिशन छोटा और डिटेल भी छोटा लेना, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ आपको और छोटा लेना उसके अंदर। हम लोग कलर ज्यादा लेते हैं, बेसिकली पानी कलर ज्यादा लेते हैं। पहले ही आई थिंक एक सेशन में बताया था कि पैंस ग्रे इनिशियली अपन स्लेट से अटैक करता है। हां वो सेशन में बताया था कि वो कलर मजेदार रखता है, अगर मोनोक्रोम भी कुछ काम को मोनोक्रोम, लेकिन जो बेस कर देते हैं उसको एक्सेसिव क्या होता है कि वो ये कि हमें लगता है कि वो डार्क देने से पेंटिंग निकल के आ जाएगा, वो गल वो उसी के चलते गड़बड़ हो जाता है। और एक और चीज जैसे हम लोगों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे एक्सीडेंट होता है ना हम परेशान हो जाते हैं, पेशेंस लूज कर जाते हैं और उसको सोचते नहीं दोबारा कि उसको ठीक कैसे कर सकते हो या उसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ वही देखना है कि उसको कैसे मेंटेन हम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हैंडलिंग करने की कोशिश करी। ये जो पार्ट है सब डार्क में अंधेरे में है, तो इसलिए इनको ज्यादा ये लाइट है ऑलरेडी, तो इसको देखो डार्क से ही आएगा ये, तो एक को ज्यादा डार्क कर दें साइड वाले को। आंखों के पलकों को आधा आधा बुझाते हैं जिससे आपको मोटे मोटे पार्ट दिखेगा। स्टेप तो उबड़ खबड़ होगा ना थोड़ा पत्थर, वो थोड़ा लाने के लिए और फिर इसके अंदर लाइट देखना इसको करते हुए रेस्ट।
यू आर बेसिकली सेल्फ टॉट सर? नहीं मैं नहीं कहता, मैं तो बहुत लोगों से सीखता हूँ। नहीं नहीं वैसे वैसे कॉलेज नहीं गया, ये अलग बात है। वही बात है। नहीं वैसे तो देख देख ही ऐसे। हाँ बचपन में सीखा है मेरे। हाँ, गांव में एक टीचर है। अच्छा जब वो स्कूल में तो सभी का होता ही है, हमारे टाइम में तो सब्जेक्ट होता था, ग्रेड आते थे हमारे टाइम में। देखो ये फिर से हल्का हो गया ना, तो हल्का हो गया तो करना तो पड़ेगा। इसके भी नंबर होते हैं सर, इस वाले ब्रश पे? हाँ होते हैं। एक ब्रश पे सर कहाँ से मिल पाएगा? ये दे दूंगा अभी, वो टिकट आ रहा है आपके लिए, कुछ कूपन लेके आ रहा है, कूपन कोड लेके आ रहा है आपको गिफ्ट करने के लिए, और उसके वेबसाइट में मिलेगा। हाँ ये उतना अच्छा नहीं है, सिल्वर ब्रश आता है एक, सिल्वर सिल्वर ब्रश का। नहीं नहीं महंगा वाला नहीं है, आपको बताता हूँ। थोड़ा सा टेक्सचर आ गया, कुछ डिजाइन हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जो है थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, तो हल्का फल्का ही होगा, बट तो उसी से कुछ ना कुछ असर करता है। उसके अंदर टाइल्स में जो टेक्सचर है ना, पानी पानी कलर लगाया, पानी लगाने से पैचेस आता ना, वही टाइम है पैचेस आने के टाइम। उससे शेडो का भी इफेक्ट आ रहा है लाइट का, ये बहुत अच्छा है। तो उसी कंपोजिशन में मिल रहा है हमको सीखने के लिए। यूज हो जाएगा, कैसे करना वो आपने देखा अभी है ना। अच्छा टाइम क्या हुआ? 2:20। ओके ठीक है। चलो ये ड्राई में किया, लेकिन दो तरीका है, जैसे ये अभी ड्राई में लगा रहा हूँ ना, तो लगा के भी हम इसको गीला करके इसको मिला सकते हैं ना। देखो सॉफ्ट हो गया। ये जो है वहाँ पे रानियों के लिए, जिनको मतलब वो जिनका अस्थिया उधर समाधि ऐसे बनाने के लिए ऐसे टेम्पल बनाते हैं, राजा के लिए ये बनाया। तो बड़ा बाग में जब जाते हैं उस चीज को पता चलता है, ऐसा ही है ना।
आप लोगों ने खूब काम किया। उसी कलर को थोड़ा ग्रीन से हल्का करके, जैसे ये हल्का तो डार्क होगा ना इससे। हाँ, यहाँ पे जो देखने को महसूस कर रहा हूँ उसके हिसाब से कर रहा हूँ। हर बार वो कलर नहीं होगा, अंतर आएगा। देखो ड्राई ब्रश में डिजाइन आ गया ना, हल्का सा दिया लेकिन उसके अंदर असर करने लगा। कैसा लग रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। सीखने को मिल रहा है? क्या लग रहा था कि फिगर यहाँ पे छुप गया है ना, भाई फिगर भी दिख जाएगा अभी। दिल्ली के आसपास सर अभी कभी लगाएंगे ना? जी दिल्ली के आसपास। कहाँ पे? पहले सोना में हुआ था मेरे ख्याल में, गुड़गांव। अभी हम इस कंपोजिशन के ऊपर जैसलमेर के ऊपर ना एक ऑनलाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी वहाँ पे मेंटर गए थे सभी मिलके एक ऑनलाइन वर्कशॉप करेंगे। वो कंपोजिशन पूरा जैसलमेर का ही रहेगा। ये फ्रेम देता है डार्क करने से। ड्रामा थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो जरूर। आप पूरा नहीं करना, पूरा छोटे छोटे चीज़ों में करना है, ये ध्यान रखना है। पूरा बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा करेंगे तो पूरा की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे चीज में आएगा तो भी वही हो। ये जो खालीपन है ना यहाँ पे उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा और तो पेड़ पत्ते, तो पेड़ पत्ते जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ग्रीन नहीं दिख रहे हैं। वहाँ पे भी देखेंगे बहुत ग्रीन नहीं दिखेगा, तो बहुत ग्रीन नहीं कर रहा है इसलिए।
जितेंद्र सर आपके इसमें मेंबर कैसे बनते हैं? जो संस्कार भारती नहीं नहीं मेंबर कैसे बनते हैं यहाँ देने के लिए? ये मेंबरशिप का ऐसा है ना, हाँ, जो भी सबका जो है ना इलाका डिस्ट्रीब्यूट है, क्षेत्र बना हुआ है। ओके, आपका जैसे वेस्ट बंगाल का अलग है, ठीक है, और जैसे दिल्ली का हमारा दिल्ली प्रांत अलग है। तो हमारे यहाँ तो मतलब हम जितने प्रोग्राम्स करते हैं किसी को मिला के कोई भी बन सकता है। मेंबरशिप के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास ऐसा, मिलना पड़ेगा। और हमारा जैसे यहाँ पे हम मासिक गोष्ठी करते हैं हर महीने तीसरा सप्ताह, तीसरा रविवार है ना, हम एक गेट टूगेदर आर्टिस्ट को करते हैं। तो इस नाते जो है हम हर महीने तीसरा सप्ताह, तो उसमें हम एक घंटे अपना काम करते हैं, एक घंटे फिर अपना जो है यहाँ सब विधा का होता है, विजुअल आर्ट का भी है, डांस ड्रामा अपना नीचे और भी है, और उसके नीचे उसके नीचे एक और बड़ा हॉल है, वो भी आप वर्कशॉप वाले के लिए यूज कर सकते हैं। और ये मिनिमम प्राइस के आप 1600 अगर भी करना चाहे तो ना करते जो बहुत शो करते हैं ये तो हमने अपनी कलेक्शन लगा रखी है। ये सुनील विश्वकर्मा का है, सुनील विश्वकर्मा अभी आपने राम जी का जो प्रतिमा का स्केच बनाया था उन्होंने ही बनाया था, सुनील विश्वकर्मा वो बनारस से है और काशी विद्यापीठ में भी छोड़ी है। ये सुनील कुशवाहा जी का ये भी और लीचू से ही है, लीचू विद्यापीचू में मजा उसमें है लीचू, तो ये सब कलेक्शन है अपने। अभी हमारा एक बहुत बड़ा अखिलवर्ती कलाकार का समूह बेंगलुरु में बना था, 1 से लेकर 4 फरवरी। हाँ वो देखा है, बहुत अच्छा हुआ। तो उसमें हिंदू में काफ़ी वासुदेव तामन हमारे अखिलवर्ती एक ये थे हमारे अभी जो कर और अभी हमारे अच्छे पोस्ट पर हैं। अनऑथराइज लाइट नहीं रख सकते कहीं पर भी, वो रखने से उसका वैल्यू नहीं आएगा, इसका वैल्यू नहीं आएगा। तो हाँ तो इसके अंदर जैसे वो लाइट हो रहा था उसको एक रिदम में लेके आया। अभी देखो वो लाइट और ज्यादा रेज कर रहा है उसके ऊपर इस एरिया में ना। ऑरेंज येलो के साथ चेहरे में डाल सकते हैं अगर लाइट दिखाना है तो। फिगर को बनाने के लिए फिगर को अलग से प्रैक्टिस होना चाहिए।
कला आरंभ जो आपने शुरू किया जी सर, दैट इज द बेस्ट थिंग मेरे पास। हम जो एंजॉय करते हैं ना हम लोग एनडीटी पे, हाँ स्पेशली जो अभी उनको बोला था आने के लिए, अभी मेरे साथ में थे सिकंदर सर भी थे, सिकंदर जी घर पे। अरे उनका पता नहीं क्या हो गया कि खाली कर दे सब बोल के आ रहा कि टिकट भी मेरे रास्ता हो जाएगा, पता नहीं हम तो 5 बजे तक पहुंच भी जाते हैं उधर। निशिका निशिका नहीं सर, क्रिप्टो नहीं, व्हाट कलर वाइट। हां निशिका तो वहां आए थे, आए थे हमेशा आते थे, अच्छा विक्रम से आप ही गए थे क्या? जो वहाँ का जो ट्रेडिशन है ना जो कपड़े का, वहाँ लेदर के काफी अच्छे ठीक है। देखो धीरे धीरे कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। पर हाईलाइट डालना है अपने खर्चने का काम नहीं किया अभी, वाइट का वजह है ना खर्च के भी निकालते हैं। खर्च के भी दिखाना है, बताया गया मुझे आज। स्क्रैच करके कुछ अच्छा अच्छा स्क्रैच करके बेसिकली ये टेक्निक वेट ऑन वेट वाली होगी सर। मैक्सिमम काम वैसे ही होते हैं, जैसे अगर कुछ हम चाकू चाकू कहाँ गया, पानी सारा कटर निकला क्या? अच्छा छोटे बैग में है क्या? हाँ ना सही है। Thank you.
लिक्विड में थोड़ा सा, ये देखो इसमें क्या थोड़ा फ्लैग ब्लैक होता है ना, थोड़ा और ज़्यादा एंगेज कर दिया और कनेक्शन जोड़ दिया ये, हाँ ब्लैक डाल दिया थोड़ा। यहाँ पे लाइट एरिया ना, वहां पे तो दिखेगा नहीं, वहां से डार्क से करना पड़ता है, और जहां डार्क है वहां पे ऐसा स्क्रैच से दिख रहा है। तो समझ में आया, तो स्क्रैच कब करना है, कहाँ करना है। यहाँ पे तो बोला था व्हाइट पेंट यूज कर सकते हो, व्हाइट पेंट से क्या होता है वो डल हो जाता है, थोड़ी देर बाद डल हो जाता है वो, इसके वजह से क्या है थोड़ा स्केच करने के उसको पेपर वाइट निकल के आता है और वो ठीक ठाक रहता है। तो देखो इसमें थोड़ा सा ये जो कलर्स है ना बैलेंस हो गया। और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा था दूर से कि ये जो वैल्यू है इसमें वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा अंतर है, लाइट है बहुत डार्क है, जिसके वजह से आपस में थोड़ा सा उसको मतलब एकदम कट ना करूं, तो जिसके वजह से मैं क्या करने वाला हूं यहां पे थोड़ा सा इस एरिया में थोड़ा ब्लूमिंग करूंगा, जैसे बाउंस करता है ना लाइट ऐसे ब्लूमिंग करता है, तो कर दूंगा उससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये दूर से उसका समझ में आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा क्या वो ये क्या नहीं तो एजेस बन रहा था, ये एकदम व्हाइट भी एज बनता है, जैसे डार्क एज होता है व्हाइट भी एज होता है, तो जिसके वजह से जैसे ये व्हाइट वाला एरिया में ऐसा नहीं बिल्कुल ही मर्ज कर दिया, थोड़ा थोड़ा रखा भी है और थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच बीच में, पूरा पूरा नहीं करे, कहीं कहीं पर थोड़ा ऐसे करते तो वो भी सॉफ्ट हो गया। अभी वो उसके साथ जुड़ गया, कनेक्शन जुड़ गया, ये जो देखो कनेक्शन जुड़ गया इधर, तो ऐसा भी देखना पड़ता है। राइट साइड में रेड इसलिए डाला आपने कि लेफ्ट में ज्यादा रेड हो रहा है, ये थोड़ा फ्लैग्स वगैरह डाल दिया और बैलेंस भी हो जाता है ऐसा, इस पर तो उस पर ऐसा बैलेंस भी हो जाता है, और ये कनेक्शन जोड़ मतलब जोड़ता है चीजों को, जैसे ये अलग नहीं होना चाहिए, अलग नहीं है, कई बार इस तरह से वायर वगैरह जोड़ देता है चीजों, क्या होता है आप जिसको देखा फिर ये देखा इधर गया फिर उतरा फिर इधर आया, तो अब रोटेट करा रहा है उसके अंदर, तो ये धीरे धीरे आएगा, अभी नहीं, मतलब ये मेरा सोच है इस तरह से। बोर्ड बगड़ा है यहाँ पे, तो क्या है क्या नहीं उस एरिया को थोड़ा सा ब्रेक दे रहा है, मतलब फ्लैट सा हो रहा था इसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक दे रहा है। चलो शिव जी का भगवान का ये बन गया। हाँ, और अभी करेंगे एक साइन इसको निकल के, इसको पहले निकाल देता हूँ।